नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कुचर और आज हम बात करेंगे कि कैलोरी डेफिसिट क्या होता है। आपने ये शब्द काफ़ी बार इंटरनेट पे सुना होगा। इसकी स्पेलिंग कैलोरिक डेफिसिट होती है, कई लोग कैलोरी डेफिसिट भी बोल देते हैं, इसी की जगह ही भी लगा देते हैं, एक ही बात है। आपको मैंने इससे पहले वाले अपने कुछ वीडियोस में मेंटेनेंस कैलोरी के बारे में बात करी आपसे मैंने। मेंटेनेंस कैलोरी क्या होती है और कैसे गिनी जाती है, इससे पहले वाले वीडियोस में, जस्ट पहले वाले से बिल्कुल पहले वाले एक दो वीडियोस में बात हुई है। तो कैलोरी डेफिसिट का मतलब होता है अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाना, मतलब उतनी कैलोरी से कम खाना जितने पे आपका वजन जितना है उतना ही रहे। मतलब मेंटेनेंस कैलोरी वो होती है जितनी कैलोरी अगर हम खाएंगे तो हमारा वजन उतना ही रहेगा। मतलब अगर हम रोज जितनी कैलोरीज का खर्च कर रहे हैं, अगर हम उतनी की उतनी खाएंगे तो हमारा वजन उतना ही रहेगा। कैलोरी डेफिसिट होता है उससे कम कैलोरी खाना, मतलब कैलोरी डेफिसिट में आपका वजन कम होएगा। तो मान लेते हैं मेरी मेंटेनेंस कैलोरी है 2350 कैलोरी और मैंने 2000 कैलोरी खाई, तो मैंने 350 कैलोरी का डेफिसिट बना लिया। इसे ऐसे बोला जाता है, 350 कैलोरी का डेफिसिट बना लिया, या आमतौर पे डेफिसिट बोलते हैं। वैसे पूरा शब्द कैलोरिक डेफिसिट है पर आमतौर पे डेफिसिट बोल देते हैं। मैंने 350 कैलोरी का डेफिसिट बना दिया, 350 कैलोरी कम खाने के कारण मेरा कुछ वजन कम होएगा। तो कैलोरी डेफिसिट का मतलब हम समझिए, कैलोरी डेफिसिट का मतलब है हमारी मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाना। मेंटेनेंस कैलोरी क्या होती है अगर ये नहीं समझ आया तो पुराने वीडियोस में जाके देख सकते हो। और जैसे कि मैंने मेंटेनेंस कैलोरी के वीडियो में आपको काफ़ी सारे एग्जांपल दिए थे कि कई दिनों तक आप अपना वजन किसी दिन कम खा के किसी दिन ज़्यादा खा के बराबर कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, वैसे ही डेफिसिट में भी है। हो सकता है आप 2 दिन तक आप 200 कैलोरी अपनी मेंटेनेंस से ऊपर खाएं, लेकिन तीसरे दिन आप अपनी मेंटेनेंस से 800 कैलोरी कम खा लें, तो कुल मिला के उन 3 दिनों में आप 400 कैलोरी के डेफिसिट में होंगे। मतलब 800 कैलोरी, 200 करके आपने 400 कैलोरी ज़्यादा खाई थी 2 दिनों में और एक ही दिन में आपने 800 कैलोरी कम खाई, कुल मिला करके आपने 400 कैलोरी कम खाई। 400 उस टाइम ज़्यादा खाई, 800 भी कम खाई, तो कुल मिला के 400 कैलोरी कम खाई। तो आप ये कह सकते हैं कि आप उन 3 दिनों में 400 कैलोरी के डेफिसिट में अपनी उन 3 दिन की मेंटेनेंस से। तो मेंटेनेंस के वीडियो मैंने जो भी एग्जांपल दिए थे वो सब यहाँ पे भी लागू होते हैं। अगर आप डेफिसिट में होते हैं तो आपका वजन कम होता है, अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपको कैलोरिक डेफिसिट बनाना ही पड़ेगा, मतलब आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपको ये पता चल गया कि मेरे को फैट लॉस करना है और चर्बी कम करनी है तो मेरे को कैलोरी डेफिसिट में रहना होगा, मतलब मेरे को अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाना होगा, तो आपने कल से ही सीधा कुछ जाने समझे बिना सीधा ये चालू कर दिया, ऐसा मत करना। सिर्फ मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाना ही सही तरीका नहीं है फैट लॉस का, मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाना ज़रूरी है लेकिन सही खाना और सही मात्रा में खाना ये भी ज़रूरी है। कम खाने के साथ साथ सही खाना खाना और सही क्वांटिटी में सही मात्रा में खाना भी ज़रूरी है। कैलोरी डेफिसिट का मतलब समझ गए आप, अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाना, तो उसे कैलोरी डेफिसिट बनाना बोलते हैं। कितने का डेफिसिट बना, मेंटेनेंस कैलोरी से जितनी कैलोरी कम खाई उतने का डेफिसिट बना, ऐसा बोलते हैं। और फैट लॉस के लिए कैलोरी डेफिसिट ज़रूरी है, कैलोरी डेफिसिट में रहोगे तो वजन कम होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करो, अगर आपको कुछ भी बोलना है तो कमेंट में लिखो, अगर आप कोई चैनल पसंद है तो उसे सब्सक्राइब करो। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, बाय बाय।